जब नहीं किया सपोज नीचे कुछ ऐसा आता है न्यूमरेटर कांस्टेंट रहता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट सबसे पहले इंटीग्रेशन में क्या होता है फॉर्मूला, क्या पे फॉर्मूला लग रहा है ना वन बाय एक्स का, लेकिन अगर वही एक्स स्क्वायर बन जाता है तो फिर ये बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अकेला एक्स स्क्वायर होता तो ऊपर लेके इसको माइनस टू बना लेते और इंटीग्रेशन का एक्स पावर एन का लगा, लेकिन इसके साथ कुछ आ गया हो गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में भी दो कैटेगरी है, एक तो टू टर्म वाला जैसे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स है तो पता, ये भी टू टर्म है कि थ्री टर्म है, टू टर्म दिख जरूर है लेकिन है थ्री टर्म, और यहाँ पे कुछ आ गया तो हो गया थ्री टर्म वाला। तो ये ऐसा पढ़े, उसके बाद हम पढ़े कि उस समय न्यूमरेटर कांस्टेंट रहा करते थे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऐसा दे दिया तो इसका एक टाइप पढ़े कि नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर एक्स रहा, ये जो क्वाड्रेटिक है सॉरी न्यूमरेटर है इसको ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी ऐसा हम एक्सप्रेस करते थे अगर ऊपर एक्स आया तो। अब इसमें क्या हो गया कि ये कभी कभी रूट में भी आता था, ठीक है चलो ठीक है, लेकिन बताओ ये अब तक ऐसे टाइप थे जिसमें नीचे वाला पावर ज्यादा था, ठीक है क्वाड्रेटिक का ऊपर एक्स नीचे वाला ज्यादा है, अगर ये सेम आ गए तो सेम आ गए तो हम पढ़े ना सबसे स्टार्टिंग में वही तो पढ़ेगा कि अगर पावर सेम रहे तो एडजस्टमेंट और आप डिवीजन भी कर सकते हो सेम पावर में, ठीक है हम पढ़े थे लेकिन एडजस्टमेंट और बनाओ ऐसा आ गया ऊपर का पावर ज्यादा है तो डिवीजन वाले और नीचे का पावर ज्यादा है तो नीचे का पावर ज्यादा है तो अभी तो पता है ना सर न्यूमिनेटर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव, ये बहुत लंबा टाइप है ये तभी यूज करना अगर वो वाला टाइप ना लगे तो कौन सा डेरिवेटिव वाला, देखो ये इसके जैसा ही है सेम, ठीक है ना ये वाला है तो आप बोलेंगे सर करो ऐसा, अरे मत करो पहले देखो डेरिवेटिव है क्या, तो अगर कभी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख गया तो इसको टी पुट करो हो जाएगा, ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है तो फिर जाना पड़ेगा ए इंटू डेरिवेटिव लंबा टाइप है थोड़ा आई वन आई टू वगैरह आते थे इसमें ऐसा। तो यहाँ पे पावर सेम है एडजस्टमेंट अभी भी एडजस्टमेंट, ठीक है ना सेम है ना लेकिन ऊपर का ज्यादा रहा तो डिवीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रैशनल फंक्शन, रैशनल यानी क्या होता है रेशो, ठीक है ना रेशो ऊपर और रैशनल अल्जेब्रिक फंक्शन बोलना चाहिए था, अल्जेब्रिक यानी एक्स वाले चाहिए ना पूरे वही तो साइन कॉस थोड़ी पड़ते हैं, ठीक है तो ये जो है दो है तो इसके हम अभी तो मैंने डिस्कस किया, अगर इसमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम रही या फिर न्यूमिरेटर की बड़ी रही तो बताओ क्या करते थे, न्यूमिरेटर की बड़ी रही डिग्री तो न्यूमिरेटर की बड़ी है ना तो क्या करते थे डिवाइड, या फिर हम एडजस्ट भी करते थे, क्या करते थे डिवाइड करते थे या फिर एडजस्टमेंट करते थे। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं वो वाला कि अगर न्यूमिरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की ज्यादा रही, यानी ये वाला किसके ज्यादा है डिनोमिनेटर, तो सर ये तो पढ़े ये तो टाइप पढ़े ना, तो आप ये वाला प्रॉब्लम आए तो आप इस टाइप से कर सकते हो है ना, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं उससे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी देखो डिग्री किसकी ज्यादा है डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर की ज्यादा है ना तो उसलिए हम ये टाइप पढ़ रहे हैं ये वाला टाइप है अपना ऐसा, तो हम ये पढ़ रहे हैं तो पढ़े तो सब पढ़े ठीक है तो कर ले उस टाइप से कर लेना कौन मना कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया तो अब पुराने टाइप काम आएंगे क्या नहीं आएंगे क्योंकि वो सिर्फ लिमिटेड किसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर एक्स और उसमें भी ऊपर एक्स चाहिए था, ठीक है ना अगर ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया और नीचे एक्स क्यूब आ गया तो तू नहीं कर पाएगा ना, इसलिए पुराने टाइप वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो फिर देखो ये टाइप का जन्म इसे भी हुआ क्योंकि जब लिमिटेशंस आ गई तो ये टाइप तैयार हुआ क्योंकि हम सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही सॉल्व कर सकते थे बाकी नहीं, तो देखो क्या करना था अगर डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, अब देखो मैंने जितने भी प्रॉब्लम लिए ना सब में डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, आपको ऐसा दिख रहा होगा ये एक्स और एक्स तो क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है ये मल्टीप्लाई ना क्या होता है एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या रहेगा या तो कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट यानी सपोज 5 है तो ऊपर का पावर कम हुआ था क्योंकि वहां पे एक्स का पावर कितना हो गया 0, ठीक है ना और नीचे एक्स स्क्वायर है या फिर टर्म्स ऑफ एक्स या फिर एक्स का टर्म आया जैसे एक्स आएगा एक्स का टर्म यानी 3x + 5 कुछ भी ऐसा तो नीचे तो एक्स स्क्वायर है ना
और ऊपर कौन है एक्स, तो फिर हो गया ये टाइम जो हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी किसका पावर ज्यादा चाहिए, डिनोमिनेटर का, तो ये टाइम है, ठीक है। तो बताओ इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा रहे तो पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो कैसी टेक्निक है, देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसको एक्सप्रेस करो कैसे, लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर किसको बोलते हैं, ये जैसे ये है इसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर, यानी फैक्टर है ना ऐसे होते हैं ना मल्टीप्लाई में, जिसमें एक्स का पावर कितना होता है 1, क्योंकि तभी उसकी लाइन बन सकती है, लाइन का जैसे एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, इसकी लाइन बनती है ना भाई, एक्स की वैल्यू -3, ये -3 इधर होगा ना, ये है एक्स इक्वल टू -3, जो एक्स को कहाँ कट कर दिया -3, तो ये फैक्टर कौन सा हुआ, लीनियर फैक्टर, क्योंकि इसकी क्या बनती है, लाइन बन सकती है, और लाइन में एक्स चाहिए, वाई चाहिए, एक्स का स्क्वायर नहीं चलता, क्योंकि अगर एक स्क्वायर आ गया तो फिर वो लाइन नहीं रहती, वो कर्व बन जाता है, अगर एक स्क्वायर आ गया तो वो कर्व बन जाएगा, ऐसा कुछ कुछ भी कर्व बनेगा, लेकिन लाइन नहीं बनेगी, लाइन कब बनती है, जब एक्स का किसी का एक्स का पावर वाई का पावर, तो लीनियर फैक्टर समझ गए, जिसमें जिसकी क्या बनती है, लाइन बनती है, लाइन बनती है ना, एक्स का पावर कितना चाहिए 1, तो अभी सीधा से अंदर को एक्स का पावर 1 है ना लीनियर फैक्टर, ऐसे जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता था ये वाला है ना, और आप इसको सॉल्व कर देते तो आपको ऐसे आंसर एंडिंग में आ जाते, ठीक है। और आप क्या लिखते थे, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिखते थे ना ऐसा। तो होता क्या था कि ये x की वैल्यू -3 यहाँ पे होगी ना, और प्लस 2 का आपके यहाँ पे होगा, ये बेसिकली क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब इसकी लाइन नहीं है, अगर आप इसका ग्राफ निकालोगे तो उसका ग्राफ क्या आता है, कर्व आएगा, क्या आएगा, कर्व, और वो कर्व ऐसा रहेगा कि इस तरह से कि वो बराबर एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, -3 में और इधर 2 में, इसलिए आंसर क्या आता है आपका, जब आप सॉल्व करते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो तब क्या आंसर आता है आपका, ऐसा आता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो कर्व है ना वो x को -3 में कट करता है और 2 में कट करता है बराबर, इसलिए आपके ऐसे आंसर आते हैं। यानी ये ऐसी वैल्यूज है, यानी ये ऐसी वैल्यूज है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करती है, 0, आप x की वैल्यू -3 पुट करो 0 आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या पुट करो 2 पुट करो 0 आंसर आएगा, है ना। तो ये बन जाते हैं जीरोज इसके, यानी हीरो नहीं जीरोज, यानी ये पुट करो 0 आएगा, ठीक है ना। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसकी बहुत बड़ी थ्योरी देखा जाए तो अपन भटक रहे अपने टॉपिक से, ठीक है, तो जाने देते हैं। क्या होता है, अच्छा लगता है कि उनको भी ज़्यादा डिटेल बताने में कि भाई ये कैसा होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। लेकिन उसी चक्कर में तो अपने कोर्स लेट रहे थे ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे साल भर बताते रहते हैं जो एक्चुअली टॉपिक में काम आने वाली बहुत कम रहती है, इसी में टाइम ज़्यादा जाता है। बस तो न्यूमिरेटर का पावर कम और डिनोमिनेटर का ज्यादा, तो बताओ क्या करना, वो जो डिनोमिनेटर है ना उसको लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस करना, डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में, यानी कैसे सर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो एक्स के फॉर्म में, अब वो 2 भी बन सकते हैं या 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर, बताओ डिनोमिनेटर को कैसे एक्सप्रेस किया, एक्स प्लस ए है ना, ऐसे उसको एक बार एक्सप्रेस कर लो, पहले एक्सप्रेस करो बोलते हैं, स्टेप हो गई एक्सप्रेस करने की, उसके बाद और स्टेप है, जितने भी फैक्टर्स में आपने एक्सप्रेस किया होगा फिर उसको सेपरेट करना पड़ता है, सेपरेट यानी पहला अलग दूसरा अलग तीसरा अलग, और ऊपर कांस्टेंट अपने मन से लेने पड़ते हैं, ए बी सी, अब जितने फैक्टर लिखो और सी इन द टेबल गिवन बिलो, अभी एग्जाम्पल है ना आपके सामने ये दिया, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन न्यूमिरेटर ऊपर एक्स में नीचे भी एक्स में, ठीक है ये सर, इसमें मैंने देखो नीचे तो सर एक्स दिख रहा है, सर ऊपर एक्स नहीं दिख रहा, मैंने लिखा ना न्यूमिरेटर कैसा चाहिए, या तो कांस्टेंट या फिर सम ऑफ एक्स, कोई भी एक्स का टर्म होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना कंडीशन वही है कि एक्स का टर्म भले ही है लेकिन पावर किसका ज़्यादा है, डिनोमिनेटर। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं,
मैक्सिमम स्टूडेंट बता रहा कि डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा रहा तब ये मेथड है, और बहुत से स्टूडेंट वो बात देखते नहीं। कुछ ऐसे एक दो प्रॉब्लम है, सिर्फ दो प्रॉब्लम है कि जिसमें किसका पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर और तब भी स्टूडेंट कौन सी मेथड से करते, इसी मेथड से करते, वहां पर उनको मार्क जीरो मिलते और वो प्रॉब्लम जनरली आता नहीं। अब इतने सारे एग्जाम में वही जाकर अब इतने सारे प्रॉब्लम हो, दो तीन प्रॉब्लम है, बाकी सब तो ऐसे थे, इसने नहीं सोचा तो भी ऐसे ही किया तो भी काम चल जाता था, लेकिन अगर गलती से वही आ गया तो गए ना काम से वो, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है कि बोर्ड में बता नहीं सकते ना। तो मैक्सिमम लेकिन 90% प्रॉब्लम यही है, किसका पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर। तो पहले क्या बताया उन्होंने, डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करो लीनियर फैक्टर्स में, ये अपने डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स में ऑलरेडी है, समझ लो है एक्स एच है दोनों में, फैक्टर्स यानी मल्टीप्लाई में है, तो उनको एक्सप्रेस कैसे करना नेक्स्ट स्टेप में दिखा है, उनको अलग अलग सेपरेटली एक्सप्रेस करो, लिखो, यानी इसको बोलते हैं रैशनल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रैशनल यानी रेशियो, रेशियो ऊपर और नीचे, रैशनल फॉर्म। और इसको हमने उसके अलग अलग पार्ट किए, पार्ट ये अलग, ये अलग, अलग अलग कर देते, पार्ट अलग करने का क्या बोलते हैं, पार्शियल फॉर्म, ये पार्ट दिख रहा है, पी आर टी पार्ट, उसके अलग अलग पार्ट्स किए, इसी किए दिख रहे हैं ना, हाँ अलग, एक पहले एक जगह लिखा तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एक रेशियो बोलोगे ना तुम, इसको उसके अलग अलग कर दोगे पार्ट बन गए, तो पार्शियल फॉर्म ऐसा। और ऊपर ए और बी यानी कोई भी नंबर रहेंगे, ठीक है ना। बताओ अगर लीनियर फैक्टर्स अगर चार चार रहे तो कितने बनेंगे, अलग अलग चार बार, तीन रहे तो तीन बार, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग है बोले डिफरेंट है सर, फैक्टर कैसे जितने फैक्टर्स रहेंगे उतने बने सर, यहाँ पे तो ब्रैकेट का स्क्वायर है तो इसमें लीनियर फैक्टर है बोले एक्स का पावर वन, ये लीनियर फैक्टर है, भली वो कितनी बार है, दो बार स्क्वायर है दो बार, तो उस समय क्या करना, पहले एक बार लिखना और फिर कितनी बार लिखना, दो बार लिखना, यानी पहले पावर वन लेना और बाद में पावर टू लेना, अगर स्क्वायर आया तो पहले पावर वन फिर पावर टू, बताओ क्यों आया, तो शुरू कहाँ से करना, पावर वन से फिर पावर वन पावर टू, अभी क्यों आया तो पावर वन पावर टू पावर थ्री, वहां तक जाना, ठीक है जितना है। अब बताओ यहाँ पे एक का स्क्वायर है और एक बेचारा अकेला से, तो जितने भी अकेले है सबके लिए अलग अलग लगता है ना ए बी सी डी, तो बताओ इसके लिए एक लगेगा ए, लेकिन ये कैसा है स्क्वायर में, और स्क्वायर वाले को कैसे लिखते हैं, पहले पावर वन में फिर पावर टू में, है ना, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का तो बताया ना यहाँ पे, पहले पावर वन फिर पावर टू, वैसे ही इसका पावर वन पावर टू, और ये तो अकेला है अलग है ना, ये डिफरेंट है उससे, उसके लिए स्पेशल। अब बताओ ये कितने क्यूब है और ये अकेला है ना, तो बताओ इसके लिए अलग से आएगा कौन, ये इसके लिए तीन तीन है, पावर थ्री है, तो पहले पावर वन फिर स्क्वायर और उसके बाद क्यूब, ठीक है इस तरह से। अब इसका सर ये तो लीनियर फैक्टर नहीं है, लीनियर फैक्टर काम नहीं, एक सच चाहिए फैक्टर मल्टीप्लाई में। अब आप बताओ ये कौन आ गया स्क्वायर, यानी कौन सा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक के टाइप से सॉल्व कर सकते हो, आपको फ्री है सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक है ना, आपको क्वाड्रेटिक देख के क्वाड्रेटिक याद कर लो, क्वाड्रेटिक उस समय न्यूमरेटर कांस्टेंट चाहिए क्योंकि आप ऐसे ही पढ़े थे न्यूमरेटर कांस्टेंट की क्वाड्रेटिक, हाँ लेकिन अगर सर ऊपर एक सरा दो, अरे तो वो भी तो पढ़े होगा टाइम आप कि ऊपर एक सर नीचे क्वाड्रेटिक, तो एक्सप्रेस न्यूमरेटर इक्वल टू ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी, लेकिन उससे जाओ मत, आप ही आगे चल के जब ये पढ़ लोगे ना तो आप पसंद करोगे यार यही ठीक है, वो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आई वन आई टू दो दो बनते थे और दो दो सॉल्व हो टाइम ज्यादा था उसमें, और अगर ऐसा इधर आ गया ना, बताओ डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है ना तभी तो ये टाइप है ना, हाँ तो आप क्या करोगे, आप कोशिश इसी टाइप की करोगे क्योंकि ये टाइप इजी है, इसलिए वो उसमें चक्कर में मत जाना। अगर लेकिन इसी कंडीशन है भाई, कंडीशन कौन सी, फैक्टर एक्स लीनियर फैक्टर चाहिए ना, यानी एक्स का पावर वन चाहिए ना, ये कौन है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते ना, तो क्या करो, करो फैक्टराइज इसका एक्स प्लस है और एक्स प्लस बी, क्या फैक्टराइज, उसके बाद ही अपने टाइप का बना, तब तक नहीं बनेगा है ना, अपना टाइप का बनने के लिए नीचे क्या चाहिए, लीनियर फैक्टर्स, तो इसको लीनियर फैक्टर बनाओ ना, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो ना,
बन गए। अब बताओ पहला x प्लस ए और दूसरा x प्लस किया था। लेकिन सर जैसे ये भी तो क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको भी हम लीनियर बना सकते। हमारी कोशिश रहती है लीनियर बनाने की, अगर नहीं दिया तो ये लीनियर ऑलरेडी है, लेकिन ये लीनियर नहीं दिए, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करो बन गया लीनियर। ये भी लीनियर नहीं दिया, इसको लीनियर बनाएंगे, कोशिश तो करेंगे। कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बन गया लीनियर करो। लेकिन सर हुए तो जैसे कि ये अब बताओ है क्वाड्रेटिक, इफ नॉट फैक्टराइज, अगर ये फैक्टराइज होता ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो अपना टाइम यहाँ पे ये नहीं लगता, सिंपल वाला नहीं लगता, ये सिंपल है ठीक है। लेकिन जब ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है तो तब क्या करना पड़ेगा, पहला तो लीनियर वाला दिया चाहिए उसके लिए ए, लेकिन जो दूसरा नहीं दिया तो फैक्टराइज होते ही नहीं ना, तो लिख दो जैसा है वैसा, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखना पड़ता है बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता है बी एक्स। और ये ऐसे एक दो प्रॉब्लम है, और बहुत स्टूडेंट ये सोचते थे कि यही है तो यही आते, लेकिन दो बार एग्जाम में ये आ चुके। और मेरी आदत है कि मैं कोई प्रॉब्लम छोड़ता नहीं, मैं इसलिए लिखा ना, तो उसी चक्कर में मैंने कभी ये छोड़ा नहीं, हर साल नहीं आता था, एक अटच नहीं था, ये जाते थे हमेशा, लेकिन तब भी मैं सोचता था कि कभी ना कभी तो आएगा, स्टूडेंट अपनी ये ना हो, और आया है ना, आ गया, और जिनने भी पढ़ाई की होगी उन्हें सॉल्व किया ठीक है कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है, हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ये आएगा भाई ये नहीं आएगा, एक हद दो तो प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, ये बताते हैं ठीक है। हाँ वैसे इस बार नहीं, इस बार लेकिन चिंता मत करो। चलो ठीक है, ये अभी पढ़ लिया, इसका फोटो भेज दिया ग्रुप पर, हाँ अब इसका प्रॉब्लम देखते हैं।